गुड मॉर्निंग। फेज इक्विलिब्रियम में हमने वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में सीखा था, खासतौर पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, और उसमें किस तरीके से एप्लीकेशन होती है क्लॉसियस-कैप्रोन इक्वेशन की वो हमने समझी, और उसी सीरीज में हम आगे समझते हैं सल्फर सिस्टम को। सल्फर सिस्टम भी अपने आप में वन कंपोनेंट सिस्टम है। वन कंपोनेंट सिस्टम का मतलब है कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि एक कंपोनेंट पार्टिसिपेट करता है और वो कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करता है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं सल्फर दो क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। एक को हम रोम्बिक सल्फर हम बोलते हैं और दूसरा हमारा है मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर की दो क्रिस्टलाइन स्टेट सॉलिड स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती हैं, उसको समझने के लिए हम फेज डायग्राम का यूज करेंगे। और फेज डायग्राम में हमारे सामने सल्फर सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हम जानते हैं कि दो फेजेस के लिए जब नंबर ऑफ फेज दो हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कैलकुलेशन के बेसिस पे कंपोनेंट हमारे पास एक है, नंबर ऑफ फेज टू है और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास एक आ जाती है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी हम सॉलिड केस में ये जो हम कर्व देख रहे हैं, अगर हम कर्व OA की हम बात करते हैं तो कर्व OA बेसिकली दो सॉलिड सल्फर रोम्बिक सल्फर और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम को समझाता है और जिसको हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। सब्लिमेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व के पॉइंट OA कर्व के बीच में, इस पॉइंट में अगर कोई भी अगर हमें नंबर ऑफ फेजेस डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए हमेशा वन आती है। और ये कर्व दो एरियाज को इक्विलिब्रियम में एडजस्ट दिखाता है, सॉलिड रोम्बिक सॉलिड का सल्फर का सॉलिड रोम्बिक पार्ट एंड सल्फर का वेपर पार्ट। सब्लिमेशन कर्व सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द वेपर एंड दिस कर्व इज शोन हियर OA कर्व। OA कर्व हमेशा सब्लिमेशन को बताता है और सब्लिमेशन में एग्जिस्टेंस दिखा रहा है रोम्बिक सल्फर और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम की। जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है तो ये OA कर्व से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अब हम OB कर्व को समझने की कोशिश करें तो OB कर्व में देखिए ये एरिया रोम्बिक सल्फर का एरिया था, क्योंकि हम टेम्परेचर और प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं। टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज के साथ साथ जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है, पहले केस में सॉलिड सल्फर कन्वर्ट होता है सॉलिड मोनोक्लिनिक में, सल्फर मोनोक्लिनिक में। और ये जो कर्व हमारा ट्रांजिशन कर्व जिसको हम OC अगर कर्व की हम बात करें, OB कर्व को भी समझते हैं, OC कर्व जो है वो ट्रांजिशन कर्व है सॉलिड सल्फर का जो रोम्बिक सॉलिड है और सल्फर का जो मोनोक्लिनिक सॉलिड है, तो दोनों के बीच में ये कर्व ट्रांजिशन कर्व जिसको हम बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम के इसकी स्टेट को दिखाता है। और सॉलिड में और दो सॉलिड हमारे सामने हैं लेकिन दोनों की क्रिस्टलाइन स्टेट्स अलग हैं और दोनों की क्रिस्टलाइन स्टेट उसकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रोम्बिक कन्वर्ट हो रहा है मोनोक्लिनिक में, लेकिन जब मोनोक्लिनिक में हम प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं तब कन्वर्ट होगा। प्रेशर अगर कम होगा तो मोनोक्लिनिक टेम्परेचर के साथ साथ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कर्व OB हमें यही कंडीशन समझा रहा है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर जब हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर जो सल्फर का वेपर स्टेट है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम बताता है और जिसको हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर जो है उसके बीच में सब्लिमेशन कर्व हमें दिखाई दे रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, को प्रेशर सडन इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। अगर प्रेशर को सडन इंक्रीज किया जाए टेम्परेचर के साथ साथ तो ये स्टेज अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत कम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को लेकिन टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पॉइंट में 95.8 डिग्री है और 120 डिग्री है, यानी सब्लिमेशन जब होता है उस केस में प्रेशर बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रेशर बहुत अधिक करते हैं इसी टेम्परेचर में रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये कर्व ओ ए हमने समझा, दिस कर्व ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम फॉर रोम्बिक सल्फर एंड वेपर स्टेट ऑफ द सल्फर। ओ सी कर्व हमें बताता है सॉलिड रोम्बिक सल्फर और सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच के ट्रांजिशन स्टेट को, क्योंकि इस पॉइंट से आगे सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। और ओ बी कर्व हमने देखा, ओ बी कर्व मोनोक्लिनिक और वेपर के बीच में था। पीई कर्व हमें दिखाई दे रहा है लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के बीच के इक्विलिब्रियम को, और इसको हम वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। बी ई को वेपर प्रेशर कर्व हम बोलते हैं लिक्विड। और जब मोनोक्लिनिक सल्फर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और इजीली प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो इस केस में मोनोक्लिनिक सल्फर फिर लिक्विड में, इंटायरली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सल्फर इंटायरली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास कर्व बी सी जो है वो कर्व है द इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस मोनोक्लिनिक सल्फर एंड इट्स लिक्विड स्टेट। और ये कर्व हमारे पास सी और डी का सॉलिड जो रोम्बिक सल्फर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बताता है, यानी इस पूरे सिस्टम में, इस सल्फर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलते हैं। ओए कर्व सब्लिमेशन कर्व है जो कि सॉलिड रोम्बिक और वेपर के बीच में है। ओ सी कर्व ट्रांजिशन कर्व है जो कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर में कई इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाता है। ओ बी कर्व जिसको हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, क्योंकि मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्सप्लेन करता है। और हमारे पास बी ई कर्व है लिक्विड और वेपर के, सॉलिड सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर के बीच के कर्व को इंडिकेट करता है। बी सी कर्व हमारे पास सल्फर मोनोक्लिनिक और लिक्विड के बीच में। एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हमें थोड़ा समझना है, क्योंकि ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में हम सॉलिड रोम्बिक सल्फर को डायरेक्ट लिक्विड की हम बात करते हैं, और इस कर्व में हल्का सा इंक्लिनेशन हमें देखने को मिलता है। और वो इंक्लिनेशन कैसे मिलता है उसको हम दो कंडीशन समझेंगे। हम जानते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की जो डेंसिटी है, हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर की जो डेंसिटी है 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में मोनोक्लिनिक सल्फर 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और रोम्बिक सल्फर की अगर हम बात करते हैं, उसकी डेंसिटी की बात करते हैं, रोम्बिक सल्फर की डेंसिटी मोनोक्लिनिक सल्फर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम जानते हैं इसका जो इंक्लिनेशन है इस प्रेशर एक्सिस से पॉजिटिव क्यों आ रहा है। ये इंक्लिनेशन ऑफ दिस सीडी कर्व इज इन स्लाइटली इंक्रीजिंग। इस कर्व से जो ओसी कर्व है उस कर्व से स्लाइटली सीडी कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाता है। जब हम इस कंडीशन में क्लेशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलता है कि डीपी अपॉन डीटी, अगर हम इस कर्व की हम बात करते हैं, ओ सी कर्व की हम बात करते हैं, तो ओसी कर्व भी इस प्रेशर एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करता है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम क्लैपेरॉन इक्वेशन अप्लाई करें तो हम कहेंगे डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द ट्रांजिशन, क्योंकि ये ट्रांजिशन सल्फर जो है रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट ट्रांजिट हो रहा है, एक क्रिस्टलाइन स्टेट से दूसरी क्रिस्टलाइन स्टेट में जाता है। तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज है हम उसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टी ट्रांजिशन टेम्परेचर, टी हम उसको बोल सकते हैं। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर माइनस वॉल्यूम ऑफ रोम्बिक सल्फर। तो इस केस में तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच की इनफाइनाइटेसिमल चेंज का जो रेशियो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर इज ग्रेटर हायर देन द वॉल्यूम ऑफ रोम्बिक सल्फर। हम इसके बारे में ये क्यों बोलते हैं वॉल्यूम सल्फ मोनोक्लिनिक का ज़्यादा है रोम्बिक सल्फर से, ये इसलिए क्योंकि इनकी डेंसिटी में फर्क है। डेंसिटी मोनोक्लिनिक की कम है रेदर देन रोम्बिक। रोम्बिक की डेंसिटी 2.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और मोनोक्लिनिक की 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों की डेंसिटी के डिफरेंस से इनके वॉल्यूम में डिफरेंस आया, वॉल्यूम में डिफरेंस आया तो SM की मोनोक्लिनिक सल्फर की वैल्यू बढ़ गई। ओवरऑल DP/DT की क्वांटिटी हमें मिली पॉजिटिव। जब इसकी क्वांटिटी पॉजिटिव मिली
तब जाके ये जो कर्व हमें ट्रांजिशन कर्व मिलता है ये प्रेशर एक्सिस के कर्व से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन की तरफ झुक गया। ये जो कर्व आता है ओ सी कर्व और सी डी कर्व, लेकिन हम अगर हम ओ सी कर्व की हम स्पेशली बात करें क्यों इतना झुका हुआ है टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस, इट इज ओनली बिकॉज द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर। डेंसिटी में फर्क पड़ेगा तो उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, सॉरी वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा तो डीपी अपॉन डीटी का जो की जो वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएगी। जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेफिनेटली हम कैसे कहेंगे इसका कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ प्रेशर एक्सिस से आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर का भी इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये कर्व में हमारे पास कुछ बिंदु दिखाई देते हैं, हमारे पास तीन बिंदु हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं ओ बी और सी। ओ बी सी तीन बिंदु तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स में तीन कर्व आपस में मिलते हैं। इस ओ पॉइंट में मिलते हैं तीन कर्व, कौन कौन से कर्व मिल रहे हैं, ओ ए कर्व मिलता है इसमें, इसमें मिल रहा है ओ बी कर्व, इसमें मिल रहा है ओ सी कर्व। बी पॉइंट में भी हमारे तीन कर्व मिलते हैं, बी पॉइंट में मिलने वाले कर्व है बी ई बी सी और बी ओ। इसी तरीके से सी में भी तीन कर्व मिल रहे हैं, सी में मिलने वाले हमारे कर्व है ओ सी बी सी और सी डी। यानी हर पॉइंट में ये तीन पॉइंट हमारे इस सल्फर सिस्टम में ऐसे हैं जहां पर तीन कर्व आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो इन तीन कर्व के कोइंसाइड करने की वजह से इन सभी पॉइंट को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट है क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे अगर हम एफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, इट इज जीरो। ऑल द ट्रिपल पॉइंट इज नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट, यहाँ पर किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि तीन कर्व है। तीन कर्व का मतलब तीन फेजेस कोइंसाइड करते हैं। फेज अगर नंबर तीन होंगे, हमारे पास कंपोनेंट एक है तो एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1-3+2, दैट मीन्स एफ इक्वल टू जीरो। तो एफ की वैल्यू इन तीन पॉइंट्स पे हमेशा जीरो होगी। तो ये तीन पॉइंट्स इस सल्फर सिस्टम के इनवेरिएंट पॉइंट है, नॉन वेरिएंट है, जहां पे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि तीन पॉइंट के अगर हम कर्व को एक्सटेंड करें, तीनों पॉइंट्स के कर्व्स को हम जब एक्सटेंड करें और एक जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करें उस पॉइंट को हम मेटास्टेबल पॉइंट कहते हैं। इस सेंटर पे, ये सेंटर जिसको हमने ए डैश से इंडिकेट किया है, जहाँ पे टेम्परेचर 114 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टेम्परेचर पर मेटास्टेबिलिटी सल्फर की मिल जाती है। तो वेन देर आर थ्री ट्रिपल पॉइंट्स एंड तीन ट्रिपल पॉइंट्स से जब ग्राफ को एक्सटेंड किया जाता है, जिस पॉइंट को पर वो क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, उस पॉइंट को हम मेटास्टेबल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा एक पूरा सल्फर सिस्टम है, जिस सल्फर सिस्टम में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं, ओ ए कर्व्स, ओ बी कर्व है, बी ई कर्व है, बी सी कर्व है, ओ सी कर्व है, सी डी कर्व है। और इन सब कर्व्स को जब एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मिलना होता है, तीन पॉइंट्स सब मिलते हैं, तो उन तीन पॉइंट्स को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और जब ट्रिपल पॉइंट्स आपस में एक पॉइंट पर मिलते हैं जिनको हम एक्सटेंड करते हैं, वो पॉइंट मेटास्टेबल पॉइंट कहलाता है। और हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि ओ सी जो कर्व है इसका इंक्लिनेशन इस प्रेशर एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ क्यों है, क्योंकि डेंसिटी सल्फर की के मोनोक्लिनिक की रोम्बिक सल्फर से हमेशा कम होती है। तो डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो वॉल्यूम मोनोक्लिनिक सल्फर का ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो डीपी अपॉन डीटी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का जो रेशियो है वो इंक्रीज करता है। इसलिए पॉजिटिव होने की वजह से ये कर्व हमेशा प्रेशर एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लीन हो जाता है। दिस इज द वन कंपोनेंट सिस्टम। अब हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम की। टू कंपोनेंट सिस्टम में हम समझेंगे कॉन्कोरेंट पॉइंट्स, इनकॉन्कोरेंट पॉइंट्स एंड यूटेक्टिक पॉइंट्स। हम अब बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम की। टू कंपोनेंट सिस्टम, इसके बारे में हमने पहले थोड़ा जानकारी ली थी कि टू कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा अगर नंबर ऑफ फेजेस अगर एक भी हो तो हमेशा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मिलती है टू थ्री।
क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट हमेशा दो होंगे और हमारे पास मिनिमम अगर फेज एक है तो इसकी वैल्यू थ्री आती है। तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन। तो यह संभव नहीं है कि टू डायमेंशन में किसी भी केस में हम तीन कंपोनेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो इट इज वेरी टू मेंटेन द कन्वीनियंसी, इसको प्लॉट करने के लिए हम इस फेज रूल को रिड्यूस कर देते हैं और रिड्यूस करके हम टू की वेरियस पॉइंट की जगह पे हम वन पॉइंट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो टू कंपोनेंट सिस्टम में जो भी पॉइंट स्टडी हम करेंगे उस स्टडी में हम ये जानते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया जाए। जब प्रेशर यानी तीन वेरिएबल में से दो एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, हमने कहा कि प्रेशर इज टेकन एज ए कांस्टेंट एंड दी ग्राफ और डायग्राम इज बीन प्लॉटेड बिटवीन दी कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में ही ग्राफ प्लॉट किया जाएगा और प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख लिया। वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने टेम्परेचर और प्रेशर को प्लॉट किया था और सिर्फ हमें वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दो की रिक्वायरमेंट थी। तो हम इस डिग्री ऑफ फेज रूल को रिड्यूस करके, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस कर देते हैं प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख के, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए की वैल्यू हमें दो मिल जाती है, जिसमें हम कंपोजिशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करके डायग्राम बना के किसी भी सिस्टम को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक को हम बोलते हैं कि दो कंपोनेंट आपस में मिले तो एक कंपाउंड बनाते हैं, और जब दो कंपोनेंट आपस में मिले और घुल जाए लेकिन कंपाउंड न बनाए, कोई भी रिएक्टिविटी ना करें, उस तरीके से हम इसको दो प्रकार से स्प्लिट करते हैं। यह हमने पहले समझ लिया है। तो हम पहले बात को करते हैं जहां पर दो कंपोनेंट आपस में घुल जाए लेकिन रिएक्शन ना करें, और रिएक्शन ना करें तो इस पॉइंट पे हमें जब रिएक्शन नहीं कर रहे और दोनों आपस में घुल जाए उस पॉइंट को हम समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। और यूटेक्टिक का मतलब होता है इजी मेल्टिंग। इस टर्म को और इलाबोरेटली हम इस डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। व्हेन कंपोनेंट ए, हमारे पास दो कंपोनेंट सिस्टम है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, और उन दोनों कंपोनेंट का एक सर्टेन टेम्परेचर है जहां पर वो मेल्ट होते हैं। सॉलिड ए एट दिस पॉइंट व्हेन द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड ए इज 100%, जहां पर प्योर ए है उसमें बी मिला नहीं है, उस पॉइंट पर उसका मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट से अगर हम टेम्परेचर थोड़ा और ऊपर कर दें तो ये मेल्ट है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट, और इसके जो नीचे टेम्परेचर है सब इसका फ्रीज करने का टेम्परेचर है। तो जब ए में हम बी ऐड करते हैं उसी तरीके से बी का पॉइंट, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्ट करेगा बाकी नीचे को ये फ्रीज करेगा। तो ए 100% इस पॉइंट पे प्योर है और बी 100% इस पॉइंट पे प्योर है। हम ए में बी मिला रहे हैं या बी में ए मिला रहे हैं तो कर्व बदलेगा। जब हम ए कंपोनेंट में बी कंपोनेंट को ऐड करना शुरू करते हैं तो ए की परसेंटेज कम होती जाएगी और बी की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। जब हम ए की कंपोनेंट में बी कंपोनेंट मिलाते हैं और कंपोजिशन में बी मिलाते ही इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है वो डाउन होने लगता है। इसका मतलब ए में प्योर ए में बी को मिलाने पर इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो कर्व इसका ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक हमें मिलता है, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ कंपोनेंट ए हम बोलते हैं। ए सी जो है, ए सी, ए तो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग कर्व इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग कर्व, और बी सी फ्रीजिंग कर्व। जब ए कंपोनेंट में बी कंपोनेंट को स्लाइटली धीरे धीरे ऐड किया जाता है तो इसका ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना शुरू होता है, और एक पॉइंट पर दोनों कॉम्बिनेशन की दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाते हैं ए और बी, और उस पॉइंट से अगर हल्का सा
टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को जहाँ पर दोनों कंपोजिशन ए और बी कंपोनेंट मिलके एक पॉइंट बनाते हैं, एक कंपोजिशन बनाते हैं, और जिस कंपोनेंट कंपोजिशन में स्लाइट टेम्परेचर चेंज करने से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, जिसका हमने नाम दिया यूटेक्टिक। का मतलब होता है इजी मेल्टिंग, यानी दिस सी पॉइंट इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट। व्हेन कंपोनेंट ए इज मिक्स्ड विद द कंपोनेंट बी, एक कर्व हमें मिला जिसका नाम हमने कहा यूटेक्टिक पॉइंट, और ये फ्रीजिंग कर्व हम ए और सी को फ्रीजिंग कर्व कहते हैं और बी और सी को फ्रीजिंग कर्व। ए है हमारा यहाँ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्ट इस पॉइंट से मेल्ट करना शुरू होता है लिक्विड ए कंपोनेंट। अब ये जो कर्व एरिया है हमारे सामने, इस कर्व एरिया को हम समझ लेते हैं। इस कर्व एरिया में कंप्लीट सॉलिड है, कौन सा ए कंपोनेंट का कंप्लीट सॉलिड है। ये सॉल्यूशन जो बता रहा है वो ए बी का है, क्योंकि कुछ पार्ट जो सॉलिड ए का था वो हल्का सा बी के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि इसमें हम धीरे धीरे कंपोजिशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। और इस पॉइंट पर ए और बी का सॉल्यूशन, और इस पॉइंट पर आने पर दोनों सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए सॉलिड ए, और इसलिए इस एरिया को हम बोलते हैं सॉलिड ए प्लस यूटेक्टिक, और इस एरिया को हम बोलते हैं सॉलिड बी और यूटेक्टिक। ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हमने सॉलिड बी और सॉल्यूशन बोला, और हमने इसको इंक्रीज किया, ए की परसेंटेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं और बी की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है। इसको हम दोनों वैसा वर्सेस देख सकते हैं, बी की कंपोनेंट कम में हम ए मिलाते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होना शुरू होता है, और इसका एक मिनिमम पॉइंट है जिस पॉइंट में हल्का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट है, दिस पॉइंट इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, दिस फर्स्ट कंडीशन फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं लेड और सिल्वर का। लेड सिल्वर का एग्जाम्पल हम इस यूटेक्टिक पॉइंट को समझने के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। लेड और सिल्वर, मान लेते हैं ए हमारे पास, जो हमने ए लिखा है ये पॉइंट है लेड का, और ये बी जो लिखा हुआ है ये पॉइंट हमारे पास है सिल्वर का। हम जानते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट का ये पॉइंट है लेड का, ये 27 डिग्री है, और बी के लिए 961। ए के रिस्पेक्ट में बी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अधिक है, और तो इस केस में कर्व बदल जाएगा, ये कर्व पॉइंट बदल जाएंगे इसके। सिल्वर का जो टेम्परेचर है वो 961 है, और तो इसका कर्व 961, यानी द डिफरेंस बिटवीन 327 टू 961, ये पॉइंट्स हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो सॉलिड ए लिखा हुआ है वो सॉलिड लेड की बात बताता है, सॉलिड बी सिल्वर की बात बताता है, और सॉलिड बी सिल्वर की बात बता रहा है। तो ये कंडीशन जो हमने ए और बी कंपोनेंट में समझी थी वो वही कंडीशन हमारे सामने आती है सिल्वर और लेड और सिल्वर सिस्टम में। लेड सिल्वर सिस्टम में जब हम लेड में जो कि इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पॉइंट को हल्का पॉइंट अगर हम बढ़ा दें वो लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड सिल्वर जो हमारे सामने है 961 का इसका जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से अगर हल्का टेम्परेचर हम बढ़ा दें सिल्वर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसकी कॉम्बिनेशन मिलती है तो एक पॉइंट पर, क्यों ऐसे ही पॉइंट हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लेड में हम सिल्वर ऐड करते हैं, जब लेड में इन सर्टेन प्रेशर एक सर्टेन परसेंटेज का सिल्वर ऐड किया जाए तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट का टेम्परेचर है 303 डिग्री पर, इन दोनों की कंपोजिशन मिसिबल, दोनों आपस में मिसिबल हो जाते हैं और घुल जाते हैं, और इस टेम्परेचर पे जो सिल्वर का परसेंटेज रेशियो है वो है 2.6%। इसका मतलब जब इस पॉइंट पे थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, यानी हमने सिल्वर जो है ओनली 2.6% ऐड किया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिल्वर का प्योर पॉइंट है और ये लेड का प्योर सिस्टम है, और जब इस लेड में 2.6% सिल्वर मिला दी जाती है तो सिल्वर मिलाने पर हम एक पॉइंट पे आते हैं जिसका टेम्परेचर होता है 303। इस टेम्परेचर से स्लाइड अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों
के रेशियो पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस पॉइंट को हम लेड और सिल्वर कंडीशन में के लिए यूटैक्टिक पॉइंट बोलेंगे। और ये हमारे पास ग्राफ बता रहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको हम अगर कोई भी कंसिडर ए और ए मान लें, लेड का ए पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट 327, जब इसमें हम सिल्वर मिलाते हैं इसका डेप्थ जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होना शुरू होता है और फ्रीजिंग फ्रीज होने लगता है, तो लेड सॉलिड लेड और सॉल्यूशन सॉलिड सिल्वर और सॉल्यूशन। इसमें जब हम सिल्वर को डिसिल्वराइजेशन करते हैं तो इसके लिए पैटिसन ने एक प्रोसेस बताई थी, इसलिए यहाँ पे हम पैटिसन्स प्रोसेस भी समझ सकते हैं इस डायग्राम की तरफ से। पैटिसन इज प्रोसेस इज बेसिकली द डिसिल्वराइजेशन ऑफ डिसिल्वराइजेशन फ्रॉम द लेड। लेड में से सिल्वर को डिसिल्वराइज करने के लिए पैटिसन प्रोसेस इस कंडीशन से, इस मेथड से, इस डायग्राम से हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अगर देखें यूटैक्टिक पॉइंट लेड और सिल्वर का, बोथ आर मिसिबल बट नॉट रिएक्टेबल, दोनों आपस में घुल जाते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं होते हैं, उसके लिए हमें यूटैक्टिक पॉइंट मिला। इस टू कंपोनेंट सिस्टम में हम इस यूटैक्टिक पॉइंट को समझने के बाद समझते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स क्या होते हैं और इनकॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम में, जब दो कंपोनेंट को आपस में मिलाया जाता है तो उसके कंपाउंड फॉर्मेशन की बात उस पॉइंट की जहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वह कंपाउंड मेल्ट होना शुरू होता है, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। जब दो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, और हमने बात इससे पहले जो कंपोनेंट टू कंपोनेंट में समझा था कि दोनों कंपोनेंट आपस में मिल गए लेकिन दूसरा तीसरा कंपाउंड नहीं बना, लेकिन हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और फॉर्मेशन एक निश्चित पॉइंट पे हुआ और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों दिया? क्योंकि ये अगर ग्राफ को हम देखें दोनों के कॉम्बिनेशन से, ए कंपोनेंट में जो बी कंपोनेंट को ऐड किया जाता है, क्योंकि जो डायग्राम है डायग्राम टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में प्लॉट किया गया है, और कंपोजिशन में एक एंड पे प्योर कंपाउंड है ए का और दूसरे एंड पे प्योर कंपाउंड है बी का। ए में जब बी को ऐड किया जाता है तो स्लाइटली ऐड करने पर इनिशियली उसमें उसके टेम्परेचर में उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है और फ्रीजिंग पॉइंट कम होना शुरू होता है जब ए में हम बी को ऐड करते हैं। जिस जो कर्व हमें दिखा रहा है ए, तो कर्व जो है ए पॉइंट जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए। व्हेन ए में बी को मिला दिया जाता है तो ये जो कर्व फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और सी पे आके रुक जाता है, और सी पे आके वह सॉलिड ए और जो कंपाउंड बनना शुरू हुआ था ए और बी के बीच में, उनके बीच में एक पॉइंट दिखा के यूटैक्टिक पॉइंट बना देता है। काफी हमने से पहले यूटैक्टिक पॉइंट पढ़ा था, कंपाउंड बन तो गया लेकिन ए के साथ कॉम्बिनेशन में है और ये कंपोजिशन में अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो लिक्विड कन्वर्ट है, तो ये सी पॉइंट पे इजी मेल्टिंग होती है जिसको हम यूटैक्टिक पॉइंट कहते हैं। और जब ए में बी को की परसेंटेज को बढ़ाना शुरू करते हैं और अधिक बढ़ाना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे पहुंचते हैं कंपाउंड ए बी कम्प्लीटली बनना शुरू हो जाता है। जब कंपाउंड ए बी बन जाता है और जहाँ पे हमने ये डी पॉइंट बोला है, इस कंपोजिशन पे कंपाउंड ए कम्प्लीटली बन जाता है, और जब कंपाउंड बन जाता है पूरी तरीके से और उस टेम्परेचर पे जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर हम बोलते हैं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्टिंग जो होती है स्लाइट, अगर उस कंपोजिशन पे स्लाइट मेल्टिंग अगर शुरू होनी शुरू होती है तो उस पॉइंट को हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी ए में बी के कंपोजिशन को ऐड करते करते हमें तीन पॉइंट, एक पॉइंट जिसको हमने यूटैक्टिक पॉइंट कहा ये मिला हमें, जब कंपाउंड ए बन गया उस पॉइंट पे जो मेल्टिंग जो कंपाउंड में हल्का टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट में, जिसको हमने यहाँ डी से बोल दिया जो कि कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है। डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, अब डी में फिर हम उसी कंपाउंड में हम फिर बी के कंपोजिशन को बढ़ा रहे हैं, ई पॉइंट मिला, इस ई पॉइंट को हम बोलते हैं यूटैक्टिक पॉइंट, और एट लास्ट दिस बी इज द प्योर कंपोनेंट। टू कंपोनेंट सिस्टम का ये एक ऐसा सिस्टम जो कि अधिकतर कंपोजिशन के लिए कॉमन माना जाता है, जिसके एग्जांपल हमारे सामने हैं
जिंक मैग्नीशियम का एक सिस्टम हो सकता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का एक सिस्टम हो सकता है, मरकरी और थैलियम का एक सिस्टम हो सकता है, और AuSn का हो सकता है, गोल्ड और टिन का हो सकता है, फिनोल और एनिलिन का एक सिस्टम हमारे सामने है, और फेरिक क्लोराइड का वाटर के साथ जो कॉम्पोजिशन बनता है उसका एक सिस्टम है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट यूटेक्टिक पॉइंट हमें मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हमें एक इसमें कॉन्ग्रुएंट पॉइंट मिलता है। कॉन्ग्रुएंट पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द कंपाउंड गेट्स फॉर्म्ड एंड एट दैट टेम्परेचर, थोड़ा सा अगर इसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है उसको हल्का सा बढ़ा दिया जाए तो इट गेट ईजी दी मेल्ट, इट गेट ईजिली दी मेल्टिंग। और तो ये जो पॉइंट है ये, क्योंकि ये सब एरिया लिक्विड का है और इससे नीचे का जो एरिया है वो कंपाउंड ए बी का और साथ साथ में जो लिक्विड बना उसका है, और ये जो एरिया ये हमें दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इस हाफ में टी से पहले का हाफ जो है सिर्फ सॉलिड भी उसमें जरूर रहेगा, और लेकिन ये जो पूरा हाफ हमें मिला कंपाउंड बी के फॉर्मेशन के बाद, इस हाफ को हम कंपाउंड ए बी का एरिया बोलते हैं, और इसके रेड साइड में जहाँ बी का जो एरिया है उसमें सॉलिड बी और जो कंपाउंड पूरी तरीके से कंपाउंड नहीं बना लेकिन कंपाउंड है तो सॉलिड पार्ट भी है उस कंपाउंड का, तो उसको हम यूटेक्टिक पॉइंट से यहाँ पे समझते हैं। दिस इज द मेन कंसेप्ट, और इसके पीछे का मेन कंसेप्ट है कि कंपाउंड ए बी का बनना, और उस कंपाउंड ए बी पर इजिली एक पॉइंट मिलता है जो कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रहता है, जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोला है, जिसमें हम अनेक तरीके के सिस्टम को समझ सकते हैं, और अनेक तरीके के सिस्टम इसी तरीके से कंपोजिशन को हमें दिखाता है, जहाँ पर ओ ए ए सी जो कर्व है वो ए सी कर्व फ्रीजिंग कर्व बताता है, सी डी ई कर्व हमें मिलता है कंफॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ए बी और उसका डिक्रीज टेम्परेचर फ्रीजिंग डिक्रीज, और बी ई जो कर्व है ये भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बी, बी का जो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है वो है, और ई पॉइंट और सी पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट है, और डी पॉइंट है यहाँ पे इसका कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है। इसके बाद हम समझेंगे कि कंपाउंड बना लेकिन कैसे उसका पॉइंट कॉन्ग्रुएंट की जगह पे इनकॉन्ग्रुएंट हुआ। आइए देखते हैं दूसरे एग्जांपल में। अब टू कंपोनेंट सिस्टम में हम कंपाउंड के बनने और उस पे टेम्परेचर देके उसको डिकम्पोज करने की कंडीशन को देखते हैं। हम जानते हैं कि हमने ए कंपोनेंट को बी कंपोनेंट के साथ मिक्स किया, और मिक्स करने पर जब ये कम्प्लीटली मिक्स हुआ नया कंपाउंड बना, लेकिन नए कंपाउंड के बाद जब उस कंपाउंड के बनने के की स्थिति कॉन्ग्रुएंटली होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, हल्का सा स्लाइट टेम्परेचर बढ़ाने पर बना हुआ कंपाउंड डिकम्पोज होके एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरा कंपाउंड है उसका और पहले कंपाउंड के फेज में डिफरेंस रहता है, तो उस केस को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, और उस पॉइंट पे जहाँ पर नया कंपाउंड नए फेज में एग्जिस्टेंस को दिखाता है उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। हमारे पास दो नए शब्द और एक नया शब्द और आया, इनकॉन्ग्रुएंट, और व्हेन द कंपाउंड गेट रिएक्टेड विद ईच अदर आफ्टर द मिक्सिंग विद ईच अदर, अब हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, इन दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद एक नया कंपाउंड बना, उस नए कंपाउंड को हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पर उसको हीट देने पर हमने देखा कि नया कंपाउंड बना और वो नए कंपाउंड का फेज अलग था। अब हम इस ग्राफ को समझना शुरू करते हैं। हमारे सामने है ए पॉइंट, पॉइंट भी है और हमने इसको प्योर ए कंपोनेंट बोला, ए कंपोनेंट में जब हम बी मिलाना शुरू करते हैं तो ये इसका डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट कम होना शुरू होता है, और वह सॉलिड ए और लिक्विड के एरिया को कवर करते हुए एक सी पर आके मिलता है, जिस पॉइंट से हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो नया लिक्विड हमें मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, हम इसको समझते हुए आ रहे हैं यूटेक्टिक पॉइंट। और जब इस पॉइंट पे फिर हम बी का कंपोजिशन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कंपाउंड बनना शुरू होता है, जिसको हमने कंपाउंड ए बी टू नाम दिया, कंपाउंड बनना शुरू होगा और ए में हम बी को कंपोजिशन को मिलाते जाते हैं, एक्स्ट्रा मिलाते हैं, तो कंपाउंड बी का बनना बी कंप्लीट ए बी टू कंपाउंड बन जाता है, और उसका पॉइंट है डी। लेकिन जब इस डी कंपाउंड का जो एक निश्चित हमने टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर दिखाया था इसमें हीटअप किया जाए, तो हीटअप करने पर इस कंपाउंड का एक नेक्स्ट पॉइंट पे एक नए फेज में एक नया सॉलिड मिलता है जिसका एक सर्टेन कंपोजिशन है, और उस सर्टेन कंपोजिशन पर एक नया पॉइंट हमें मिलता है, उस नए पॉइंट को हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इनकॉन्ग्रुएंट पॉइंट। और जब उस नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है और
बी कंपोनेंट हम फिर से ऐड करना शुरू करते हैं, तो बी कंपोनेंट का के लिए फिर हमें ग्राफ इस तरीके से मिलना शुरू होता है। यानी जब ए में हम बी कंपोनेंट ऐड करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। हमें सी एक इनकॉन एक मिटेक्टिक पॉइंट मिला, डी एक पॉइंट मिला, एक ई पॉइंट मिला जो कि हमने इस ई पॉइंट को नाम दिया इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद हमने बी को फिर से ऐड, बी की प्योरिटी बढ़ने लगी और सॉलिड हमें मिला, और सॉलिड बी ए लिक्विड हमें मिला, सॉलिड बी और हमें लिक्विड मिला, सॉलिड बी के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ए बी टू जितने भी अमाउंट में था, क्योंकि ए बी के साथ कंप्लीटली रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो कंपाउंड बनाएगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि लिक्विड बना और लिक्विड के साथ साथ कंपाउंड बना। लेकिन जब इसमें वी हीटेड अप दिस ए बी टू गेट डिकम्पोजेस एंड कन्वर्ट इनटू ए न्यू फेज, एक नए फेज में कन्वर्ट हो गया मिला हमें, जिस पे हमने इसका नाम दिया ई, जिसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट पॉइंट। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सिस्टम वेयर द टू कंपाउंड्स आर कंप्लीटली रिएक्टिव विद ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड टेक्स प्लेस व्हेन दिस इज हीटेड एंड आफ्टर द हीटिंग अ न्यू फेज गेट इंट्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास सिस्टम, इसमें हम सोडियम पोटेशियम का एग्जाम्पल समझ सकते हैं।